अभी पहले पहले मैं गया था, अभी शुभम जा रहा है। ये देखिए शुभम, ये देखिए एंजॉय करते हुए बाण गंगा में। ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। जय माता दी फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट शुभम। तो आज मैं आपको काफ़ी अच्छी लोकेशन में लेके आया हूँ। तो आज हम करेंगे बाण गंगा कवर, जिसमें आपको काफ़ी सारे मैं नेचर बताऊँगा। और अभी भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं यहीं से। तो जय माता दी, बने रहिए मेरे साथ। तो लोकेशन का एंजॉय आप भी कीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी लोकेशन और ये ब्यूटीफुल प्लेस बन चुकी है। सॉरी। तो ये देखो गाइस, यहाँ से कितना बढ़िया लग रहा है। तो इस टाइम पे हम बाण गंगा रोड पे हैं, तो ये लोग दर्शन करके आ रहे हैं। तो इतनी जल्दी ठीक नहीं है गाइस, ऑटो वालों में बड़ी काली पड़ी होती है, दूसरों को देखते नहीं है। इतनी काली अच्छी नहीं है गाइस, आराम से चलिए। रश काफ़ी होगा और यहाँ पे तो लोग थके हारे आ रहे हैं नीचे। कितना मज़ा भी ऊपर इन्होंने किया होगा डेफिनेटली। देखो ऊपर मौसम कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया लोकेशन आज हम आपको बताने वाले हैं। बने रहिएगा इस ब्लॉग में मेरे साथ। हमारे साथ आप भी दर्शन करते जाइए वैष्णो देवी के। और ये बहुत पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर यहाँ का। जय माता दी। और हैवी रश, काफ़ी खुशी हो रही है यही चीज़ देख के कि आज यहाँ पर कोविड की सिचुएशन से जैसे पहले सिस्टम ख़राब हो गया था, लोग नहीं आ रहे थे, तो अब थोड़ा बेटर हो गया है पहले से। तो ऐसे ही बना रही माता रानी का आशीर्वाद कि लोग आते जाएं। काफ़ी अच्छा, बार बार इस लोकेशन को देखने का मन कर रहा है, क्योंकि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है ये दर्शनी ड्यूटी का ये हिस्सा। अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं दर्शनी ड्यूटी वाली साइड। भाई बड़ा रश हो रहा है यहाँ पे गाइस, देखो फुल ऑफ क्राउड ना यार, बड़ा तगड़ा वाला रश है यहाँ पे गाइस। देखो तो फाइनली हमने दर्शनी दरवाजा है वो क्रॉस कर लिया है। तो अपने हमने कोविड का जो टेस्ट किया था वो बताया, तो बस इजीली हमें उन्होंने जाने दिया, बिकॉज वो ज़रूरी है कोविड टेस्ट। अगर हमने करवाया तो उसका स्क्रीनशॉट अगर हमारे पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइज, वो ही देख रहे हैं सिर्फ, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ से पियेंगे पानी। एक्चुअली यहाँ का बड़ा फेमस पानी है, पवित्र जल इसे कह सकते हैं हम, गंगा जल, क्योंकि पानी नहीं है गंगा जल है, गंगा जल। तो पापा पी रहे हैं पानी यहाँ, तो देखते रहिए मेरे साथ वैष्णो देवी के विजुअल्स। तो नीचे लगा है लंगर, देखिए गाइस गुलशन कुमार जी का लंगर नीचे लगा है। देखो लाइन में लगे हुए सारे लोग और लंगर का लेते हुए आनंद बहुत बढ़िया हो रहा है यहाँ पे। हम थोड़ा भागेंगे गाइस, थोड़ा आगे क्राउड कम हो जाए, थोड़ा आगे कवर करते हैं इस रोड को। मैक्सिमम लोगों ने मास्क पहना है, बट कुछ कुछ लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना। एक्चुअली वो ऊपर से नीचे आ रहे थे दर्शन करके, तो बंदा थक जाता है यार, तो यहाँ तो अलाउड है कि मास्क आप उतार लीजिए। थोड़ा मतलब प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखते चलिए गाइस विजुअल्स,
घोड़ा कहाँ आ रहा है, घोड़ा हमारे ऊपर ही आ रहा है घोड़ा। लोग वापसी और हम जा रहे हैं अभी आधे रास्ते, अभी हम वैष्णो देवी नहीं जा रहे हैं, आपको बताते चलूँ मैं। हम जा रहे हैं बाणगंगा तक। एक्चुअली इतना अच्छा मौसम बना हुआ था ऊपर, तो हमने सोचा चलो आधा रास्ता तो कवर किया जाए, तो बस वही चल रहे हैं क्योंकि मम्मी के बगैर नहीं जाना अभी हमने, तो इसलिए हमने सोचा कि आपके लिए आधा रास्ता कवर किया जाए। तो हैट्स ऑफ है इनको, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, माता इनकी रक्षा करें, इनको और स्ट्रॉन्ग बनाए। सो ये है स्टार्टिंग, तो देखिए गाइज रश, हैवी रश। बच्चा कितना क्यूट लग रहा है ये, बाय बाय कर दिया है बच्चे को हमने। अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से, थोड़ा तेज़ी पकड़ेंगे। लोग थके हुए आ रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया, ये मुझे देखने को लगा कि ऊपर रश है काफ़ी। तो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो गाइस लोग जय माता के नारे लगाते हुए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो गाइस चल रहे हैं अभी हम ऊपर की तरफ, बुरी हालत। जय माता दी, जय माता दी। गाइस लोगों का मनोबल नहीं टूट रहा, लोग चले जा रहे हैं भगवान का नाम लेते हुए। जय, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि लोग रास्ते में चेयर अप करते जाते हैं, भगवान का नाम लेते जाते हैं, बहुत बढ़िया लगता है गाइस। ये यही चीज़ तो है देखने वाली है कि लोग काफ़ी खुश हैं कि वो वैष्णो देवी जा रहे हैं, तो माता रानी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखे इन सब पे, मैं यही बोलता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। लोग काफ़ी दूर दूर से आए हैं यहाँ पे, तो बाणगंगा में नहाते हुए सारे लोग, और जैसे पहले बाणगंगा थी वैसे तो नहीं रही है क्योंकि ये पीछे अभी बताएंगे आपको कहाँ से आ रहा है पानी, ये पाइप से आ रहा है पानी। तो लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, तो पानी नहीं जल, आई एम रियली सॉरी। लोग देख रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं नहाते हुए, उनको देख रहे हैं, तो बहुत बढ़िया हो रखा है यहाँ पे अभी। तो हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी लोकेशन की तरफ, तो जय माता दी टू एवरीवन। जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं या जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे उनको भी जय माता दी। बहुत बढ़िया हो रखा है सारा यहाँ पर, और अभी हम जा रहे हैं बाणगंगा की तरफ क्योंकि हम वहीं से वापस आने वाले हैं, बाणगंगा तक ही जाएंगे हम, ज़्यादा पर नहीं जाएंगे। तो ये सीढ़ियाँ काफ़ी डेंजरस है, यहाँ से नहीं जाएं तो बेटर है। एक्चुअली हम यहाँ से गए थे जब मैं लास्ट टाइम पापा के साथ आया था, तो बुरी हालत हो गई थी, इतना सांस चढ़ गया था। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आप आओ तो प्लेन रास्ते से चलो, आपको थकान महसूस नहीं होगी, बहुत आराम से आप चले जाएंगे, बिल्कुल थकान महसूस नहीं होगी, इतनी मेरी गारंटी है। शॉर्टकट ना लीजिए, मौसम ऊपर काफ़ी अच्छा है। तो अभी लोग अपनी डेस्टिनी की तरफ, ये देखो मशीन यहाँ पे रखी है इन्होंने, बॉडी मसाजर। अभी नीचे रेट कम होगा, ऊपर बढ़ जाएगा रेट, अभी नीचे 30 रुपये आधे घंटे का दे रहे हैं, तो ऊपर जाके 50 रुपये आधा घंटा हो जाएगा, और उससे अगर ऊपर जाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जैसे आप ऊपर बढ़ते रहेंगे ना, चीज़ों का प्राइस जो है वो बढ़ता रहेगा, तो एक एक तरीके से देखा जाए तो ठीक भी है क्योंकि इतनी फैसिलिटी अगर आपको ऊपर मिल रही है तो इतना तो बनता है कि उनको इतने एक्स्ट्रा पैसे अगर हम दे देंगे तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि इतनी ऊपर हमें वो चीज़ें मिल रही हैं जो हमें नीचे से मिलती हैं। तो इन लोगों को भी सलूट है जो सामान यहाँ से ऊपर तक लेके चले जाते हैं,
तो बहुत बढ़िया ये चीज़ लगी मुझे, बाणगंगा आने वाली है लोकेशन, तो बच्चा देखो कितना क्यूट लग रहा है, ये बच्चा आराम से बच्चा जाता हुआ एंजॉय करता हुआ पूरा। यहाँ से जाने का मन किसी का नहीं करता, बट अभी क्या करें, अगली बार अगर माता ने चाहा तो मम्मी भी आएंगे साथ में, तो हम ऊपर तक जाएंगे। अभी तो हम आधे रास्ते तक ही जा रहे हैं, आधे रास्ते भी नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग में बाणगंगा तक। तो यहाँ से डेस्टिनी काफ़ी दूर है, 10-12 किलोमीटर की डेस्टिनी होगी यहाँ से भी, तो चलो जैसा माता का मंजूर है। बाणगंगा पे हम पहुँचने वाले हैं अभी, बस थोड़ी ही दूर बाणगंगा आने वाला है, जहाँ से हम आपको लोकेशन बता के यहीं से वापस चले जाएंगे। दुख तो काफ़ी हो रहा है बट कोई बात नहीं, माता ने अगर बुलाया अगले वीक तो ज़रूर आएंगे। तो आगे बाणगंगा, अभी जा रहे हैं हम बाणगंगा से अंदर, तो ये क्या लोकेशन, अभी हम बाणगंगा में एंटर हो चुके हैं, तो देखते चलिए बाणगंगा विजुअल्स मेरे साथ। काफ़ी लोग यहाँ पे जा रहे हैं और बहुत बढ़िया हो रखा है ये। तो गाइज देखो ये है बाणगंगा, गाइज इतना पानी, जब ऊपर हैवी फॉल, तो पापा कह रहे हैं जिंदगी में पहली बार देखा, तो बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत बढ़िया। तो गाइज लोग एंजॉय करते हुए, गाइज काफ़ी एंजॉय करते हुए लोग, गाइज कहते हैं माँ ने जहाँ पे अपने केश धोए थे, और इसलिए इस जगह का नाम बाणगंगा के नाम से भी जाना जाता है, और बाणगंगा के जो बाणगंगा है वहाँ पे इस जगह पे माँ ने बाण मारा था और तब यहाँ से गंगा प्रकट हुई थी, इसलिए इस जगह को बाणगंगा और बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट दर्शन जो है ये बाणगंगा का कीजिए आप, बहुत ही अच्छा व्यू है, मैं यहाँ बचपन से आ रहा हूँ पर आज ये पहले ये देखने को मिला है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बहुत ही अच्छा व्यू देखिए, बहुत ही अच्छा है ये, कसम से आज मज़ा आ गया माँ के दरबार में। चलो माँ के दरबार में नहीं पहुँचे पर ये चीज़ देख के बहुत मज़ा आया, ये पहली बार। जय माता दी, जय माता दी, जय माता। तो गाइस जैसा कि पापा ने बताया कि पहली बार यहाँ पर उन्होंने ऐसा विजुअल देखा, एक्चुअली ऊपर जब हैवी रेनफॉल होता है तो इस टाइप का यहाँ पे विजुअल बन जाता है कि पानी का बहाव बहुत तेज़ हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कितना तेज़ बहाव है, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस देखिए ये विजुअल, सो लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। तो गाइस देखो, गाइस कितना लोग इंजॉय कर रहे हैं ये बाणगंगा, और नीचे विजुअल्स देखो। बट मैं यही बोलता हूँ कि गाइस अगर इतनी अच्छी जगह है, यहाँ पर गंद ना फैलाएं, तो यहाँ पर लोगों ने गंद नहीं फैलाया है, ये मैं मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया हो रखा है यहाँ पे। तो अभी पापा कह रहे हैं कि मैं बीच में जाऊँगा, तो वो अपने शूज़ ओपन कर रहे हैं, तो मुझे सामान पकड़ा दो जो भी है लिफाफे में। तो यहाँ से पापा ने अपने शूज़ ओपन कर लिए हैं, तो मैं अभी यहाँ पे उनका शूज़ का रखूँगा ख्याल, और पापा जा रहे हैं पानी के बीच में, तो आराम से जाइएगा क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है। तो पापा जा रहे हैं पानी के बीच में, तो लो भाई पापा पहुंच चुके हैं पानी के बीच में और काफ़ी इंजॉय करते हुए पापा। तो ये है विजुअल्स माता के दरबार से, पापा कर रहे हैं इंजॉय, तो बहुत बढ़िया लगा यहाँ पे मुझे, मेरा भी जाने का मन कर रहा है, बट मैं भी जाऊँगा अभी, पहले करते हैं पापा को कवर, तो कुछ पिक्चर्स अभी मैं आपको दिखाऊँगा, तो वो पहले चेकआउट कीजिए। पापा बड़ा एंजॉय करते हुए, अभी मैं भी आऊँगा यहाँ पे, पापा कह रहे हैं बहुत मज़ा आ रहा है उनको। तो अभी देखिए लोग एंजॉय करते हुए, अभी पहले मैं गया था, अभी शुभम जा रहा है, ये देखिए शुभम, ये देखिए एंजॉय करते हुए बाणगंगा में।
ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए सब लोग एंजॉय करते हुए बाणगंगा में एंजॉय करते हुए। ये देखिए गाइस फिश पकड़ते हुए बहुत ही अच्छा कैसा लगा वो देखिए। शुभम एंजॉय करता हुआ। जय माता दी जय माता दी। ये देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी लोग एंजॉय करते हुए। हैवी रश। ये देखिए ये गाइस देखिए फिश पकड़ते हुए। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखो हेलो। तो गाइस अभी ये भैया कह रहे थे कि केकड़े भी हैं बीच में, तो काफ़ी मुझे डर भी लगा। तो ये देखो विजुअल्स क्लोज से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि काफ़ी यहाँ पे लोग इन्जॉयमेंट कर रहे हैं और मैं भी यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ। तो ये हैं विजुअल्स माता के दरबार के और ये पापा बहुत बढ़िया यहाँ पे लग रहा है। और मैं थोड़ा क्लोज से आपको दिखाना चाहूँगा बिकॉज काफ़ी अच्छा नेचर है यहाँ का। तो ये देखो पानी कितना तेज़ बहाव से आ रहा है यहाँ पर। तो ये है विजुअल्स यहाँ के। तो गाइज बने नहीं मेरे साथ, काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पे। तो अभी गाइज हम ना लोकेशन काफ़ी कवर कर चुके हैं और काफ़ी इंजॉय कर चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इंजॉय करते हुए और देखो सारे अपनी फैमिली के साथ विजिट कर रहे हैं यहाँ पे और काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और ये पापा तो बहुत बढ़िया गाइज यहाँ पे लगा सीन मुझे ये वाला। तो लोग काफ़ी यहाँ पर इंजॉय करते हुए और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी इंजॉय कर पाऊँ और मैं भी काफ़ी अभी इंजॉय कर रहा हूँ। तो गाइज देखो कितना बढ़िया मौसम हो रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अभी 5 या 10 मिनट में बारिश पड़ने वाली है। तो ये है यहाँ के विजुअल्स सीधी माता वैष्णो देवी स्थान बोर्ड। तो ये सूचना दी गई है यहाँ पे कि इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। तो मौसम बहुत बढ़िया जितनी तारीफ की। तो दोस्तों अभी मैंने नोटिस किया ऊपर इतना अच्छा वाला मौसम बना है ना, सीरियसली मज़ा है। देखो ऊपर काली घटा छा गई है। तो ऊपर जो जा रहे हैं अभी तो काफ़ी लकी हैं गाइज। तो मैं माता को यही बोलूँगा कि हमें डालते हो अभी हम ऊपर नहीं गए हैं, आधे रास्ते से ही जा रहे हैं वापस। तो ऊपर अब चेकआउट। कितना पुराना मंदिर है ये? कम से कम भी। मौसम काफी बढ़िया होता हुआ ऊपर। तो ये देखो काफी गाइस मेहनत करते हैं ये लोग। मौसम की तरफ मेरा बार बार ध्यान जा रहा है कि मौसम गाइज़ अभी हम इस लोकेशन को कवर कर चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो अभी हम ऊपर तो नहीं जा पाए, काफ़ी दुख हो रहा है ये आपको कहते हुए, बट नेक्स्ट टाइम हम डेफिनेटली ऊपर जाएंगे। तो अभी हम सिर्फ बाणगंगा तक गए थे, तो बाणगंगा का सिर्फ हमने विज़िट किया। तो नेक्स्ट वीक मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऊपर तक जाऊँ। तो व्यू आप ऊपर का देख सकते हैं कि कितना अच्छा व्यू है। तो गाइज़ मुझे तो बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा, तो क्या करें गाइज़, अब जैसा किस्मत में है वैसा करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को गाइज़ मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना